वाली चीज़ तो ये है कि हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि रिस्क देना अल्लाह का ज़िम्मा है। हाँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये भी माना नहीं है कि कोई आदमी खल्लाह से कुछ भी नहीं कमाता तो कोई अपनी बेटी को जाहिर से देगा भी नहीं, चूँकि खवाम है ना मर्द, तो कमाता हो तो तभी होगा ये मसला। लेकिन हमारे पास मसला ये कि कमाने की हदूद इतने लंबे हो गए कि देखो तुम्हारे अब्बा कमाते 25,000 तो तुम क्या कमा रहे बोलो, तो तुम्हारी करेंगे, मतलब कम से कम तुम 20-25-30 या उनसे ज़्यादा कमाओ तब करेंगे। तो हम जो सेल्फ डिफाइंड हमारे जो लिमिट्स हैं ना, वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। अगर इतना कोई इंसान कमाता हो कि अपना गुजारा हो जाए, उसकी बीवी बच्चों का गुजारा हो जाए, वो उसके लिए काफ़ी है। और अल्लाह ताला याद रखिए आने वालों की तकदीर से भी तो रिस्क देता है ना, क्योंकि वो भी तो अपना रिस्क लाए, मैं लिख कर लाऊँ अपना रिस्क पैदाइश से पहले तो उनका भी तो अल्लाह ने लिखा है, ठीक है। तो अगर वो एवरेज अर्निंग भी करता है तो कर दे, और आप ऐसा क्यों समझते हैं आपका बच्चा नहीं कमाएगा। अच्छा, ये तो मसला कमाने वालों का कि भाई जिनके जॉब्स करना है।